बिग बॉस 16 के घर में जितने भी कंटेस्टेंट्स आए हैं, सबको ये लगता है कि वो नंबर वन शख्स है जिसके वजह से सबसे ज्यादा टीआरपी आ रही है घर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अब्दू रोजिक को ऐसा लगता है, अब फिलहाल अब तक लग रहा होगा मे बी, कि घर में जितने भी सदस्य हैं सबसे ज्यादा पॉपुलर बाहर वो हैं। साजिद को लगता है कि उन्होंने इतने साल हर टेलीविजन पर हर चैनल पर काम किया है तो वो सबसे पॉपुलर हैं। शिव को लगता है कि वो लास्ट सीजन के विनर रह चुके हैं तो वो पॉपुलर हैं। शालीन को लगता है कि वो अपने आप में पॉपुलर हैं। टीना दत्ता को लगता है शी इज अ ब्रांड तो वो पॉपुलर हैं। प्रियंका को लगता है उनकी प्रियंकित की फैंडम है। सुम्बुल को लगता है कि वो उनकी इमली वाली फैंडम है। तो सभी को बेसिकली ऐसा लगता है। अर्चना को लगता है कि भैया वो तो शो चला रही हैं, तो सब अपने अपने गुब्बारे में जो है वो जी रहे हैं। लेकिन असली में जनता के हिसाब से कौन नंबर वन है और जनता के हिसाब से कौन रीजन है इस शो को आगे बढ़ने का, शो के आगे बढ़ने का और नंबर वन होने का, मैं आपको बताती हूँ। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूँ ज्योति नाहक। जनता इस वक्त जो पोलिंग मेरे सामने जनता की आई है मैं आपको वो बताऊंगी, ज्यादा पास से दिखाऊंगी तो आपको दिख जाएगा कि असल में कौन जीता है, फिर बताने का फायदा नहीं रहेगा। बट जो पोलिंग सामने आई है वो भी आपको बताऊंगी और मैं इस पर क्या सोचती हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगी। शुरुआत करते हैं। वेल हेलो गाइज एंड अगेन वेलकम बैक टू फीफा फूज, मैं हूँ ज्योति नाहक। एज आई सेड कि हु इज द रीजन ऑफ ब्लॉकबस्टर टीआरपी ऑफ बिग बॉस सीजन 16, घर का सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर सदस्य कौन है। अब सबसे पहले आपको बता दूं कि 2-3 या 1000-2000 वोट्स से ये डिसाइड नहीं किया गया है, पूरे 1.5 लाख वोट्स आए हैं, 1.5 लाख लोगों ने पोलिंग में हिस्सा लिया है और फिर डिसाइड किया गया है। एमसी स्टैन को मिले हैं 8% वोट्स, शिव ठाकरे को मिले हैं 12% वोट्स, अब्दू रोजिक को मिले हैं 25% वोट्स, लेकिन प्रियंका चहर चौधरी को मिले हैं 56% ऑफ मैसिव वोट्स। जी हाँ, अब आपको मैं दिखा सकती हूँ, ये देखिए। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब्दू की तस्वीर है, फिर प्रियंका की, फिर नीचे शिव की और स्टैन की, और भी नीचे होगा लेकिन फिलहाल मेरे पास यही स्क्रीनशॉट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए सबसे ज्यादा ये ब्लू लाइन जो है प्रियंका की है सबसे ज्यादा, बाकी सबको बहुत कम है। स्टैन का तो लिस्ट में नाम भी क्यों है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, लेकिन हाँ बाकी के जो सदस्य हैं, अब्दू भी टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखो घर में ज्यादा वो क्यूट है नो डाउट, वो अडोरेबल है, स्वीट है, दिल के बहुत अच्छे हैं नो डाउट, लेकिन वो बिग बॉस में क्या कुछ कर रहे हैं नहीं। क्यूट शहनाज भी थी लेकिन वो अपनी क्यूटनेस का इस्तेमाल कर रही थी, वो शो में गेम भी खेल रही थी अदर देन क्यूटनेस, क्यूट तेजस्वी भी थी वगैरह वगैरह। इसमें निमृत का नाम होना चाहिए था, टीना का नाम होना चाहिए था, शालीन का होना चाहिए था, अर्चना का होना चाहिए था, सौंदर्य का होना चाहिए था, यू नो जो घर में एक्चुअली खेल रहे हैं उन सब का नाम यहाँ पर होना चाहिए था, पर नहीं है, अब्दू और स्टैन का है। खैर ये तो हो गई इनकी बात, लेकिन जैसा मैंने कहा मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि मैं इस पर क्या सोचती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि घर में जितने भी सदस्य हैं वो सब अपने आप में जिम्मेदार हैं शो की टीआरपी के लिए, क्योंकि प्रियंका से अगर लड़ने के लिए घर में कोई होता नहीं या मे बी अंकित नहीं होते तो प्रियंका भी घर में अकेले कुछ नहीं कर रही होती। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस 16 अगर सक्सेसफुल हुआ है तो वो सबकी बदौलत हुआ है, किसी एक की बदौलत नहीं। हाँ पोर्शंस मैटर कर सकते हैं लेकिन सीजन सबके वजह से हिट हुआ है। बट हाँ टीआरपी ब्लॉकबस्टर कंटेस्टेंट का टैग मिल गया है प्रियंका को, क्या कहेंगे इस पर।